हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो आपका मेंस है, एडवांस है या कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, नीट या जिपमर एग्जाम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नोट्स साथ साथ बनाओगे। जो भी वीडियो में डाउट्स आते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो, आपके डाउट्स का रिस्पॉन्स आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। देखो, क्लेजन्स रीअरेंजमेंट में होता क्या, बेसिकली अगर आपके पास कोई अलाइल अराइल ईथर है, अलाइल अराइल ईथर, अलाइल अराइल ईथर का मतलब एक साइड पे उसके अलाइल ग्रुप हो, एक साइड पे कैसा ग्रुप हो, अराइल ग्रुप हो। देखो, जैसे एक साइड पे मैंने बेंजीन लगा दिया, अराइल ग्रुप, और एक साइड पे मैंने लगा दिया अलाइल। अलाइल मतलब डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको अगर हम हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करके लिखें तो कुछ इस तरह से। तो देखो, ये वाला जो ग्रुप है ये है अलाइल, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है। तो अलाइल और ये बेंजीन मतलब अराइल, अलाइल अराइल ईथर। अगर आप इसको हीट करते हो, अगर आप इसको हीट करते हो तो होता क्या है, जो आपका अलाइल ग्रुप है वो शिफ्ट हो जाता है या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। कहां कहां शिफ्ट हो सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्टिंग हो जाती है, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, या ये ग्रुप शिफ्ट करता है अपने पैरा पोजीशन पे, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, या ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्टिंग हो सकती है या पैरा पोजीशन पे शिफ्टिंग हो सकती है ऑन हीटिंग एन अलाइल अराइल ईथर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अपना क्लेजन्स रीअरेंजमेंट, क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, कि जब हमने अलाइल अराइल ईथर को हीट किया तो जो हमारा अलाइल वाला पार्ट था वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गया या वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, अपने पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये है अपनी क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, वो पॉइंट क्या है ध्यान से समझो। देखो, जब हम क्लेजन्स रीअरेंजमेंट कराते हैं ओ सी एच डबल बॉन्ड CH2, तो अगर मैं इसके आइसोटोपिक लेबलिंग करूं तो होता क्या, बेसिकली ये वाला कार्बन ऑर्थो पोजिशन पे लगता है, ये वाला कार्बन जाके कहां लगता है, ऑर्थो पोजीशन पे। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड यहां से टूट गया एकदम से और ये वाला कार्बन जाके इससे लग गया, ना, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये वाला कार्बन जाके यहां लग रहा है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप उठाया और जाके ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, ना। इसमें क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है ये ऑर्थो कार्बन से बॉन्ड बनाता है। तो मतलब जो C14 वाला कार्बन है वो जाके लगता है ऑर्थो पोजीशन से, ठीक है, और एक अलाइल ग्रुप को जनरेट करता है। इस तरह से इसने एक अलाइल ग्रुप को क्या किया है, जनरेट किया है। कोई डाउट? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करो कि ये पूरा ग्रुप उठ के नीचे नहीं आ जाएगा। होगा क्या, ये जो C14 वाला कार्बन है ये जाके बॉन्ड बनाएगा किससे, ऑर्थो वाले से। अब जब पैरा पे शिफ्टिंग होगी, इसके बाद क्या होता है, पैरा पे शिफ्टिंग, पहले ऑर्थो पे लगता है ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप ऑर्थो से कहां शिफ्ट करता है, पैरा पे। अब जब पैरा पे शिफ्टिंग होगी तो फिर से कौन सा कार्बन बॉन्ड बनाएगा, लास्ट वाला, तो ये वाला कार्बन जाके पैरा वाले से बॉन्डिंग शो करेगा। तो मतलब जब ये पैरा से बनाएगा तो OH, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, OH सी H। अब इस कार्बन ने बॉन्डिंग बनाई तो मतलब ये एक क्या कर रहा है, अलाइल ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो C14 फिर से एंड में आ जाएगा। मतलब होता क्या है, देखो, स्टार्टिंग में तो जो लास्ट वाला कार्बन है वो जाके ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, ये फ्री हो जाता है। फिर जब पैरा पे शिफ्टिंग होती है तब ऑर्थो पे जो लास्ट वाला कार्बन लगा होता है वो जाके पैरा से लगता है और यहाँ पे फ्री कर देता है इसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी छोटी सी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। इसको नोट कर, बाकी का काम अगले लेक्चर में। ठीक है।